नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। दोस्तों अगर आप भी नहीं जानते डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में कितना खर्च आता है, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में कितना खर्च आता है और भी दोस्तों जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। दोस्तों डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों ये अकाउंट आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस की। दोस्तों अक्सर डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो होती है। बहुत सारे ब्रोकर्स आजकल फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ब्रोकर्स इनिशियल चार्ज ले सकते हैं जो कि 100 से लेकर 1000 के बीच में हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन फीस की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों ब्रोकर को नॉमिनल फीस देनी पड़ती है। दोस्तों यह फी फिक्स नहीं होती बल्कि दोस्तों आपके द्वारा किए गए ट्रेड की वैल्यू और परसेंटेज के हिसाब से होती है। दोस्तों यह फीस कुछ ब्रोकर्स में हाई हो सकती है तो दोस्तों कुछ ब्रोकर्स में वाली फीस लो हो सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर हम एडिशनल चार्जेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों कुछ केसेस में डीमैट अकाउंट के साथ लिंक सर्विसेज जैसे कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कन्वर्सन या फिर दोस्तों स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए एडिशनल चार्ज लग सकते हैं। तो दोस्तों जनरल आइडिया यह है कि डीमैट अकाउंट को ओपन करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है और दोस्तों ऑनगोइंग चार्जेस भी मैनेजेबल होते हैं। आपको जो भी दोस्तों ब्रोकर को सिलेक्ट करना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है ताकि दोस्तों आपको सरप्राइज चार्जेस देखने को ना मिले। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे कि बैंक, ब्रोकरेज फर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना होता है। दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव कर दिया जाता है और दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।